Good morning, student. Today we'll start our second chapter of English literature, and the chapter's name is The Paintbrush. We will first of all read the chapter, then I'll explain you the chapter. Okay, students, now let's start. A very long time ago, there was a small town in China. A little boy named Lu lived there with his parents. बहुत टाइम पहले, a long time ago, चाइना के एक छोटे से टाउन में एक लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम था लू. वो वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ रहता था. His parents were potters and made beautifully painted clay pots. उस लड़के के जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, वो पॉटर्स थे. पॉटर्स मतलब जो पॉट बनाते हैं, जो गमले बनाते हैं, मिट्टी का काम करते हैं. एंड मेड ब्यूटिफुली पेंटेड क्ले पॉट्स, वो बहुत ही ब्यूटिफुल सुंदर सुंदर क्ले के पॉट्स, मतलब मिट्टी के पॉट्स बनाते थे. लू वॉज अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड. एवरी डे आफ्टर स्कूल ही यूज टू हेल्प हिज पेरेंट्स इन देयर शॉप. लू जो लड़का था, उसका नाम लू था, वो बहुत ही ओबीडियंट, बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा था. वो हर दिन अपने स्कूल के बाद अपने पेरेंट्स की हेल्प करता था. लू एंजॉयड पेंटिंग अ लॉट. ही वांटेड टू बाय अ पेंट ब्रश एंड पेंट्स. लू बहुत एंजॉय करता था पेंटिंग. एंजॉय मतलब बहुत खुश होता था जब वो पेंटिंग करता था. और वो हमेशा, ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बाय अ पेंट ब्रश एंड पेंट्स, और वो हमेशा एक पेंट ब्रश और पेंट्स खरीदना चाहता था. बट हिज पेरेंट्स वर टू पुअर टू गेट हिम एनी, सो ही यूज्ड अ चिजल एंड हैमर टू कार्व ब्यूटिफुल बर्ड्स ऑन वॉल्स. अब वो पेंट ब्रश चाहता था, पेंट्स चाहता था, लेकिन जो उसके पेरेंट्स थे वो बहुत ही पुअर थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, और वो लू को ना पेंट ब्रश दिला सकते थे ना पेंट्स दिला सकते थे. तो वो क्या करता है, वो एक चिजल एंड हैमर, वो एक हथौड़ी, और चिजल मतलब एक नुकीली चीज़ जिससे लकड़ी को काट सकते हैं या दीवारों में डिज़ाइन बना सकते हैं. तो वो चिजल और हैमर लेके वॉल्स पे, मतलब दीवारों पर ब्यूटीफुल बर्ड्स, फ्लावर्स बनाने लगता है. पीपल केम टू वॉच हिम एंड क्लैप फॉर हिम. लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे, और क्योंकि वो बहुत अच्छी कार्विंग करता था, इसलिए लोग उसको बहुत दूर से देखने आते थे और उसके लिए बहुत खुश होते थे और क्लैप करते थे. वन नाइट लू ड्रीम्ड ऑफ अ मैजिशियन. मैजिशियन मतलब जादूगर. एक दिन रात में जब वो सो रहा था तो उसको मैजिशियन का सपना आया. ही गेव लू अ गोल्डन पेंट ब्रश एंड पेंट्स. वो उसको सपने में, ड्रीम में क्या करते हैं, एक गोल्डन पेंट ब्रश देते हैं और पेंट्स देते हैं, और कहते हैं, बी केयरफुल व्हाट यू पेंट विद द ब्रश, वॉर्न द मैजिशियन, फॉर इट विल बिकम टू लाइफ. और वो उसको पेंट ब्रश और पेंट्स देने के बाद उसको वॉर्न करते हैं कि बिल्कुल केयरफुल रहना इस पेंट ब्रश से कुछ बनाते टाइम, क्योंकि जो तुम बनाओगे वो रियल हो जाएगा, मतलब वो लाइफ में रियल हो जाएगा. व्हेन लू गॉट अप इन द मॉर्निंग ही एक्चुअली हैड अ गोल्डन पेंट ब्रश इन हिज हैंड्स. फिर जब रात ख़त्म हो जाती है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब लू उठता है सोकर, व्हेन ही वेक्स अप, व्हाट ही सी, उसके पास वही गोल्डन पेंट ब्रश होता है जो वो रात में सपने में देखा होता है. लू पेंटेड अ स्वान, इट केम टू लाइफ एंड इमीडिएटली फ्लू अवे. लू रियलाइज्ड दैट द मैजिशियन हैड टू टोल्ड हिम द ट्रूथ. सबसे पहले क्या बनाता है लू, लू एक स्वान बनाता है. जैसे ही वो बनाता है, वो एकदम से रियलिटी में बदल जाता है, एंड द स्वान इमीडिएटली फ्लू अवे. लू वॉज वेरी हैप्पी. Lou was very kind-hearted. He painted a chain for his old chair for his old grandfather. Lou जो था वो बहुत ही kind-hearted, मतलब बहुत अच्छे दिल का लड़का था. वो अपने grandfather के लिए एक chair बनाता है.
Then he painted clothes for the poor beggar and gave it to him to keep him warm during the winters. सबसे पहले वो स्वान बनाता है, उसके बाद में वो अपने ग्रैंडफादर के लिए चेयर बनाता है. Then next he made clothes. Next लास्ट में अपने कुछ गरीब लोगों के लिए, कुछ बेगर्स के लिए क्लोथ्स बनाता है जिससे कि वो सर्दियों में, विंटर्स में वार्म रह सकें. When people came to know of Lu's magic brush, they came flocking to him for help. जैसे ही और लोगों को, बाहर के लोगों को पता चलता है कि लू के पास कुछ ऐसी चीज़ है जो जो भी कुछ बनाता है वो रियलिटी में चेंज हो जाता है, सच हो जाता है, तो जो जो आसपास के गांव के लोग होते हैं वो उसके पास हेल्प के लिए दौड़े चले आते हैं. द किंग ऑफ द लैंड वॉज वेरी क्रूअल. जो उनके गांव के, जो उनके एरिया के, मतलब शहर के जो किंग थे, राजा, वो बहुत ही क्रूअल, मतलब बहुत ही बुरे थे. When he came to know of Lu's magic brush, he immediately summoned him to his castle. जैसे ही उन्हें पता चलता है कि एक लड़का है उनके शहर में जिसका नाम है लू, और उसके पास एक मैजिक ब्रश है जिससे हर चीज़ जो भी वो बनाए वो रियल हो जाता है, तो वो तुरंत उसको पकड़ के उसके उनके कैसल में लाने के लिए ऑर्डर करते हैं. द किंग टुक हिज ब्रश एंड पुट हिम इन प्रिजन. वो क्या करते हैं, जब वो आता है लू उनके कैसल में, उनके महल में, तो वो तुरंत उनसे उससे उसका ब्रश छीनते हैं, पेंट ब्रश, और उसको प्रिजन में डाल देते हैं. प्रिजन मींस जेल में. देन ही ट्राई टू पेंट अ फ्यू गोल्ड कॉइंस बट नथिंग हैपेंड. फिर जब वो उनको प्रिजन में डाल देते हैं, जेल भेज देते हैं, फिर वो क्या कोशिश करते हैं, वो ब्रश लेते हैं और उससे कुछ गोल्ड कॉइंस बनाने की ट्राई करते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है. कुछ जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं वो सिर्फ ड्राइंग रह जाते हैं और वो रियलिटी में चेंज नहीं होते. ही आस्क्ड लू टू पेंट गोल्ड कॉइन्स फॉर हिम बट ही रिफ्यूज्ड. सो द किंग पुट हिम बिहाइंड द बार्स अगेन. वो जब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं वो रियल नहीं होता है, तो वो लू को बुला के लाते हैं और लू से कहते हैं कि यू हैव टू पेंट गोल्ड कॉइन्स फॉर मी, और वो क्या करता है, वो मना कर देता है. जब वो मना करता है तो वो उसको दोबारा जेल के पीछे डाल देते हैं. सून द किंग बिकेम इम्पेशेंट एंड फ्यूरियस. फिर क्या होता है, जो किंग होता है वो इम्पेशेंट, मतलब जिनके अंदर सब्र नहीं होता है, जो हर चीज़ की जल्दबाजी करते हैं, और फ्यूरियस मीन्स एंग्री, बहुत एंग्री हो जाते हैं. ही विजिटेड लू इन प्रिजन एंड सेड इफ यू वॉन्ट टू बी फ्री अगेन पेंट अ गोल्डन माउंटेन फॉर मी. वो फिर से प्रिजन के अंदर जाते हैं गुस्से में और जल्दबाजी में. जब वो जल्दबाजी में होते हैं और गुस्से में होते हैं तो वो दोबारा लू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुम्हें फ्री होना, इफ यू वॉन्ट टू बी फ्री पेंट गोल्डन माउंटेन फॉर मी, अगर तुम्हें फ्री होना है, अगर तुम्हें आज़ाद होना है, तो मेरे लिए गोल्डन माउंटेन बनाओ. लू पेंटेड अ सी इंस्टेड. इन द डीप सी ही पेंटेड अ ह्यूज गोल्डन माउंटेन. क्या करता है वो गोल्डन माउंटेन की जगह लू पेंटेड अ सी, वो उनके लिए एक नदी तैयार करके देते हैं. इन द डीप सी ही पेंटेड अ ह्यूज गोल्डन माउंटेन, और उस सी के अंदर वो उस गोल्डन माउंटेन को बना देते हैं. देन ही पेंटेड अ ह्यूज शिप. सी बनाने के बाद, गोल्डन माउंटेन बनाने के बाद, वो एक ह्यूज शिप ड्रॉ करता है. एज द शिप केम टू लाइफ द किंग क्विकली क्लाइम्ड ऑन बोर्ड. जैसे ही वो देखता है कि शिप आ गई है, वो तुरंत उस शिप पे चढ़ जाता है. लू क्विकली पेंटेड स्टॉर्मी वेव्स एंड द शिप बिगैन टू सिंक. जैसे ही वो देखता है लू कि जो किंग है वो शिप के ऊपर चढ़ गया है, वो तुरंत क्या ड्रॉ करता है, उस सी के अंदर वेव्स, स्टॉर्मी वेव्स मतलब लहरें, वेव्स मतलब लहरें, वो बहुत तेज़ तेज़ बड़ी बड़ी लहरें ड्रॉ कर देता है. द किंग शाउटेड एंड क्राइड फॉर हेल्प बट लू डिड नॉट स्टॉप. द किंग आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस एंड प्रॉमिस्ड नेवर टू ग्रीडी अगेन. जब वो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बना देता है और तूफान आने लगता है सी में,
और शिप जो होती है वो सिंक करने लगती है, तो किंग जो होता है वो उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे बचा लो, आई विल नॉट डू इट अगेन, और मैं कभी भी ग्रीडी ग्रीडी मतलब लालची नहीं बनूंगा। लू पेंटेड काम वेव्स एंड ब्रॉट बैक द किंग। लू अच्छा बच्चा होता है, वो गुड बॉय होता है, वो देखता है कि किंग उससे सॉरी कह रहा है, माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि मैं आगे से नहीं करूँगा ऐसा, तो वो काम वेव्स बनाता है, मतलब हल्की हल्की लहरें बनाता है, और जब शिप सही हो जाती है, एक जगह पे ठहर जाती है, तो जो किंग होता है वो उससे बाहर निकल आते हैं, ही केम आउट ऑफ द शिप। द किंग अपोलोजाइज्ड एंड सेट लू फ्री। जो किंग होता है वो लू से अपोलोजाइज करता है, सॉरी कहता है और उसको फ्री कर देता है। लू कंटिन्यूड हिज वर्क, गुड वर्क, हेल्पिंग द नीडी विद हिज गोल्डन पेंट ब्रश। लू क्या करता है, जब वो वहाँ से चला जाता है तो वो अपने गुड वर्क को, जो वो वर्क करता है गरीब लोगों की हेल्प करता है, वो कंटिन्यू करता है एंड वो गरीब लोगों की हेल्प करता है अपने गोल्डन ब्रश से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव रेड द स्टोरी ऑल्सो एंड आई हैव एक्सप्लेन इट ऑल्सो, सो आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड इट अगेन, आपको स्टोरी को खुद पढ़ना है दोबारा, एंड आफ्टर दैट आई विल सेंड यू द एक्सरसाइजेस, द क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स, टिक द करेक्ट एंड एक्सेट्रा। ओके।